आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। वो दो टाइप्स कौन कौन से थे? एक था हमारे पास स्ट्रीम एल्गोरिथम और एक था ब्लॉक साइफर्स। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टू टाइप्स ऑफ साइफर्स। फर्स्ट इज द स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम साइफर एक सिमेट्रिक या सीक्रेट की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो इनक्रिप्ट करता है ए सिंगल बिट और बाइट एट ए टाइम। तो जो यहाँ पे स्ट्रीम है उसका ये मतलब है कि जो प्लेन टेक्स्ट है दैट इज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, और विद इन वन बाइट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बिट इज गोइंग टू बी इनक्रिप्टेड। इट टेक्स द बाइट बट विद इन दैट बाइट ईच एंड एवरी बिट इज इनक्रिप्टेड। सो अगर हम स्ट्रीम साइफर का यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम बार बार सेम प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, सेम प्लेन टेक्स्ट का बिट या बाइट को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो हर बार जो साइफर टेक्स्ट बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। इसका ये फायदा है। सो सेम प्लेन टेक्स्ट बिट और बाइट विल इनक्रिप्ट टू अ डिफरेंट बिट और बाइट एवरी टाइम इट इज इनक्रिप्टेड। कि एक बार प्लेन टेक्स्ट मैंने अगर उसको साइफर टेक्स्ट में बनाया है तो अगली बार अगर मैं सेम प्लेन टेक्स्ट को दोबारा इनक्रिप्ट करूँगा तो वो जो है वो डिफरेंट वैल्यू पे जाके इनक्रिप्ट होगा। दैट इज नॉट नेसेसरी कि जो पुराने टाइम पे साइफर टेक्स्ट बनी थी वही साइफर टेक्स्ट हमारे पास दोबारा बनेगी। सो जो स्ट्रीम साइफर है दिस यूजेज एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ स्यूडो रैंडम बिट्स एज द की। मतलब इसमें जो की जनरेट होती है दैट इज एक्चुअली अ स्यूडो रैंडमली जनरेट होती है, की स्ट्रीम बनती है। सो इस चीज़ का क्या मतलब है कि मान लो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लेन टेक्स्ट है दैट इज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, तो ये मैं बाइट्स ले लेता हूँ प्लेन टेक्स्ट के P1, P2, P3। उसके हिसाब से ही हमारे पास बनेगा एक स्ट्रीम की बनेगी, स्ट्रीम की बनेगी। मान लो ये आ गया K1, ये आ गया मान लो K2 और ये आ गया मान लो K3। फिर उसी हिसाब से हमारे पास साइफर टेक्स्ट बनेगी C1, C2 और C3। अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं सेम प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ तो उसके लिए की डिफरेंट हो जाएगी और कॉरस्पॉन्डिंगली जो साइफर टेक्स्ट है वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है की KEY, इसका जो मैंने स्काई कोड लिया मान लो वो 8 बिट्स के लिए हुए तो ये बाइट वाइज है, और मेरे पास एक डायस है वो मैंने एज ए की रैंडम जनरेट करेगा नंबर। एक बार मैंने रोल किया मान लो 4 आया, अगली बार रोल किया मान लो मैंने 6 आया, अगली बार फिर रोल किया मैंने मान लो 3 आया, तो मैं इतने लेटर्स की रिप्लेसमेंट के को दूंगा। तो के को कितना शिफ्ट करूंगा मैं पोजीशन से 4 से, तो कोई और वैल्यू आएगी, तो ये मान लो C1 साइफर आ गया। की को मैं 6 लेटर रिप्लेसमेंट दूंगा तो कोई नया बनेगा C2। बाई को मान लो कि हमारे पास कहाँ वैल्यू आई है 3, तो 3 लेटर रिप्लेसमेंट है तो मान लो ये आ गया C3। तो दिस इज एक्चुअली द स्यूडो रैंडम बिट्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। अब मान लो कि दोबारा अगर मैं इस प्लेन टेक्स्ट को मैं दोबारा इनक्रिप्ट करके भेजना चाहता हूँ तो मैं दोबारा अगर रोल करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगली बार 4 ही आए। मान लो कि फर्स्ट टाइम 4 आ ही गया तो अगली बार पक्का ज़रूरी नहीं है कि 6 आए, हो सकता है यहाँ पे 1 आ जाए। अगली बार फिर मैंने तीसरी बार किया तो मान लो यहाँ पे 5 आ गया, तो अब क्या हो गया कि डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 लेटर की रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ पे 1 लेटर की रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ पे 5 लेटर्स की रिप्लेसमेंट होगी। तो एवरी टाइम यू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट इट एक्चुअली इनक्रिप्ट टू अ डिफरेंट वैल्यू। सो स्ट्रीम साइफर इम्प्लीमेंटेशन टू रिमेन सिक्योर, जो इसका स्यूडो रैंडम जनरेटर है दैट इज अनप्रेडिक्टेबल कि वो कौन सी की को जनरेट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि की शुड नेवर बी रीयूज्ड, सेम की कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन टू इनक्रिप्ट अ मैसेज।
सो जो स्टीम साइफर्स हैं दे आर डिजाइन टू अप्रोक्सीमेट एन आइडियलाइज्ड साइफर, और उस आइडियलाइज्ड साइफर को हम बोलते हैं वन टाइम पैडिंग। वन टाइम पैडिंग का क्या मतलब है कि दिस इज एक्चुअली सपोज्ड टू एम्प्लॉय अ प्योर रैंडम की। वन टाइम पैडिंग का मतलब, जैसे मेरे हमें कई बार वन टाइम पासवर्ड आता है, तो आप जितनी बार अलग अलग टाइम पे अगर आप ओटीपी मंगवाओगे तो हर बार नया ही ओटीपी आपको आएगा। तो सेम कंसेप्ट इज एक्चुअली विद वन टाइम पैड। सो विच इज सपोज टू एम्प्लॉय अ प्योर रैंडम की एंड इट कैन पुट, इसी के कारण इट एक्चुअली gives us the perfect secrecy and this is also very much immune to the brute force attacks. हम इसमें आइडिया नहीं लगा सकते कि ऐसा हुआ है, कोई गैस नहीं कर सकते कि ये की हो सकती है। सो दिस इज फुल्ली इम्यून टू ब्रूट फोर्स अटैक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है वन टाइम पैडिंग के साथ कि अगर हमने ऐसी साइफर बनानी जो की का साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली प्लेन टेक्स्ट के बराबर तो होगा ही होगा, लेकिन कई बार प्लेन टेक्स्ट से ज़्यादा भी हो सकता है। तो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम दैट द वन टाइम पैडिंग फेसिस, कि इसमें जो की का साइज है दैट इज एटलीस्ट उतना तो साइज होगा ही जितना प्लेन टेक्स्ट का है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई 500 मेगाबाइट कोई वीडियो फाइल है और उसको मैं इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ मैं, और आई वॉन्ट टू सेंड इट, so I need to have a key that is at least 4 gigabits long. तो जो ये साइज है की का that is approximately equal to the size of the plain text. जैसे हमारे पास एक example देखो की के हिसाब से, कि मान लो ये A से लेके Z तक हमारे पास English के alphabets हैं, इसको मैंने numbering की है 0, 1, 2, 3 से लेके 25 तक, और मान लो plain text थी मेरे पास enigma. एनिग्मा मैं प्लेन टेक्स्ट क्यों लिया है कि जो एनिग्मा है दैट इज़ एक्चुअली ए इनक्रिप्शन डिवाइस था, दैट वाज एक्चुअली यूज्ड बाय द जर्मन मिलिट्री कमांडोज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। तो ये जो फर्स्ट इनक्रिप्शन डिवाइस था दैट वाज एक्चुअली द एनिग्मा। सो मान लो कि प्लेन टेक्स्ट हमारे पास एनिग्मा है, कीवर्ड मैंने ये मान लो कीवर्ड ही लिया हुआ है, तो हम कैसे इसको करेंगे? देखो इसमें जो की का साइज है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, मतलब इसके बराबर तो चाहिए, चीज से बड़ा भी हो सकता है। तो पहले मैंने एनिग्मा लिखा यहाँ पे, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यूज लिखी यहाँ पे, जैसे ई का मतलब क्या है, ई का मतलब ये देखिए ये 4 है तो 4 लिख दिया यहाँ पे, एन का मतलब यहाँ पे देखो एन मीन्स 13, ये 13 लिख दिया, ऐसे करके ए का मतलब 0 है, ये मैंने ए लिख दिया। फिर मैंने कीवर्ड लिखा, तो क्योंकि इसका तो साइज बड़ा है तो ये डब्ल्यू ओ आर तक ही आएगा, तो की की वैल्यू कितनी है 10, तो ये देखिए ये 10, ऐसे मैंने लास्ट तक आर की वैल्यू कितनी है 17, ये मैंने आर की वैल्यू भी लिख लिया। फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया 14 आ गया। अब रिजल्ट 25 से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो मतलब ये रैप कर सकता है, ये साइक्लिक है, ये 25 के बाद यहाँ पे आ सकता है, ये 17 नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो 8 + 24 = 32 का मतलब क्या हो गया 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32, तो इस कारण यहाँ पे आ गया 6, क्योंकि 24 + 8 = 32, तो यहाँ पे 6 आया। अब यहाँ पे देखिए 6 + 22 = 28, तो 25, 26, 27, 28, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया। 12 + 14 = 26, तो 25 ये, तो 26 ये हो गया, तो यहाँ इसलिए 0 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमारे पास साइफर टेक्स्ट कैसे बनेगा, ये प्लेन टेक्स्ट आ गया, ये कीवर्ड आ गया, साइफर टेक्स्ट 14 का मतलब क्या हुआ ओ, तो यहाँ पे ओ आ गया, 17 का मतलब यहाँ पे आर आ गया, 6 मीन्स जी, यहाँ पे ये आ गया, आगे है 2 मीन्स सी, यहाँ पे सी आ गया, आगे है 0 मीन्स ए, आगे है 17 का मतलब आर। सो ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट बन गई। सो जो भी हमारे पास टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन और मैटर्स हैं ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दे मे वॉरंट द यूज ऑफ ए वन टाइम पैडिंग, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको डे टू डे लाइफ पब्लिक लाइफ में यूज करना इट इज टू इम्प्रैक्टिकल।
The key of Steam cipher is no longer as long as the original message, hence it can no longer guarantee the perfect secrecy. However, it can still achieve a strong level of security. So जो key of a Steam cipher है that is no longer actually कि जो original message है उससे ज़्यादा वो obviously मैंने कहा था उसके approximately होती है, तो इसके कारण हमें इतनी वो नहीं मिल सकता कि हम इसको high level of security की चीज़ को माने. So जो easiest encryption algorithm है वो boolean XOR operation को use करता है encryption algorithm. So इसमें क्या होता है कि जो plain text है जो उसका हम बाइट ले रहे हैं, जो सीक्रेट की है उसका जो बाइट है उसमें हम XOR ऑपरेशन लगाते हैं, और XOR ऑपरेशन है वो बिट बाई बिट काम करता है, और इससे हमें जो है वो साइफर टेक्स्ट मिलती है. वो कैसे मिलती है हम उसको मैं यहाँ पे बताते हैं. ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है, ये प्लेन टेक्स्ट है, स्ट्रीम ऑफ जीरो और वंस, यहाँ से हम की को यूज़ कर रहे हैं कोई भी, तो बिट वाइज बिट ऑपरेशन होगा, मतलब इसका एक बिट और इसका एक बिट, इसका एक्सक्लूसिव और निकलेगा और फिर हमें यहाँ से साइफर टेक्स्ट मिलेगी. ठीक है, सो XOR ऑपरेशन क्यों यूज़ किया हुआ, क्योंकि ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है. मतलब जब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनी तो साइफर टेक्स्ट से सेम अगर मैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लगाऊंगा तो वापस मुझे प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगी. जैसे यहाँ पे देखो, प्लेन टेक्स्ट ली तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट कैसे बनेगी कि प्लेन टेक्स्ट ली और की है उसके बीच में हमने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लगाया, तो प्लेन टेक्स्ट और एक्सक्लूसिव और विद द की वी गेट द साइफर टेक्स्ट. और फिर जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट है उसको दोबारा अगर मैं की सेम की से मैं अगर उसको दोबारा एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करूँ तो मुझे प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगी. कैसे, साइफर टेक्स्ट एक्सक्लूसिव और की, तो साइफर टेक्स्ट क्या था ही, प्लेन टेक्स्ट एक्सक्लूसिव और की, एक्सक्लूसिव और की ये ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स के इसको बाहर ले गए, इन दोनों की इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया. सो की और एक्सक्लूसिव और की दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सॉरी, जैसे की मान लो हो 101 तो ये भी 101, इन दोनों का अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो देखो 0 0 0 इनके बीच में मैंने क्या लगाया, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन. हमें पता है कि जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है दैट इज एक्चुअली बिहेव्स लाइक एन ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन का क्या मतलब, जब नंबर ऑफ वंस ऑड हो तभी रिजल्ट वन आता है, जब नंबर ऑफ वंस इवन हो तो रिजल्ट हमेशा जीरो. यहाँ पे दो ही है नंबर ऑफ इवेंट्स, तो 0 0 and 0. सो दिस इज, अगर मतलब आप इसको दो बिट में आप ऐसा समझ सकते हो कि सेम बिट हो तो वैल्यू जीरो आती है, डिफरेंट बिट्स हो तो रिजल्ट वन आता है. तो ये जो टोटल वैल्यू आई ये हमारे पास जीरो आई. सो प्लेन टेक्स्ट एक्सक्लूसिव और जीरो, सो दिस इज एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट बिकॉज हमें पता है कि ए एक्सक्लूसिव और जीरो इज एक्चुअली ए, तो ये प्लेन टेक्स्ट मिल गया. तो इसकी एग्जांपल भी देख लो कि मान लो ये हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट है, ये हमारे पास सॉरी प्लेन टेक्स्ट है दिस वन, ये हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट है, इन दोनों के बीच में हमने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लगाया, तो देखो सेम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं तो रिजल्ट वन आएगा, बिट्स आर डिफरेंट सो द रिजल्ट इज वन. यहाँ पे बिट्स क्या हैं सेम तो रिजल्ट इज जीरो. और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो एक्सक्लूसिव और है दैट एक्चुअली बिहेव्स लाइक एन ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन मतलब जब भी नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तभी रिजल्ट वन आएगा, जैसे कि इस केस में नंबर ऑफ वंस कितने थे, वन मतलब ऑड, तो रिजल्ट क्या आएगा, वन, अदरवाइज रिजल्ट जीरो आएगा. अब जब ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट मिल गई तो अब मैं दोबारा अगर साइफर टेक्स्ट और की को इन दोनों के बीच में मैं अगर दोबारा एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लगाता हूँ तो मुझे प्लेन टेक्स्ट आराम से मिल जाएगी. सो दिस इज वेरी फास्ट. उसके बाद पॉपुलर स्ट्रीम साइफर्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, RC4 है विच स्टैंड्स फॉर रिवर्स साइफर 4. इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ऑल द स्ट्रीम साइफर्स एंड पर्टिकुलरली इन सॉफ्टवेयर्स. तो इसको हम और क्या बोलते हैं, ARC4 भी बोलते हैं. जो RC4 स्ट्रीम साइफर है दैट हैव बीन यूज्ड इन वेरियस प्रोटोकॉल्स लाइक वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, लाइक वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस,
दिस टू आर एक्चुअली द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि जो RC4 है दैट एक्चुअली इज़ मोर वल्नरेबिलिटी, कि ये ज़्यादा अटैक्स के बीच में आ सकती है, तो इसको इतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं किया जाता। तो उसके बाद आ जाता है ब्लॉक साइफर हमारे पास। ब्लॉक साइफर में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, नॉट द बाइट्स एक्चुअली। तो ब्लॉक साइफर जो है वो भी एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो कि ब्लॉक्स बनाता है बाइट्स के ऑफ एन बिट्स। सो दीज आर नोन एज ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स का मतलब कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है प्लेन टेक्स्ट का, तो वो उस प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक्स बनाएगा पहले। मतलब मान लो कि 64 बिट्स सेम साइज के, 64 बिट्स ऐसे वो ब्लॉक्स में काम करेगा, वो बाइट्स में काम, एक बाइट में काम नहीं करेगा, वो नंबर ऑफ बाइट्स को इकट्ठा करेगा पहले अपने पास मेमोरी में, फिर उसके ब्लॉक्स बनाने के बाद फिर उसके ऊपर इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएगा, ठीक है। और जो ब्लॉक का साइज है उसके अंदर 64 बिट्स भी आ सकते हैं, 128 भी आ सकते हैं, 256 बिट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो 64 बिट का अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई मैं साइफर लूँ, तो दिस विल टेक इन 64 बिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट, और जो इसकी साइफर टेक्स्ट भी बनेगी वो भी 64 बिट्स की ही बनेगी। मतलब ये जो 64 बिट का ब्लॉक है इसको जब मैं इनक्रिप्ट करूँगा तो इसकी जो साइफर टेक्स्ट है वो भी कितने बिट्स की बनेगी, 64 बिट्स की ही बनेगी। तो जो प्रेफर्ड है ब्लॉक का साइज दैट इज एक्चुअली ए मल्टीपल ऑफ 8। मतलब कि 31 जो है वो ब्लॉक का साइज नहीं हो सकता, 32 हो सकता है, 45 नहीं हो सकता, 48 हो सकता है। मतलब 8 के मल्टीपल्स में ही ब्लॉक का साइज होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं दे हैंडल द डेटा इन द मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। जैसे वर्ड लेंथ लेते हैं तो वो 8 बिट्स का ही मल्टीपल होना चाहिए। अगर कोई प्लेन टेक्स्ट छोटी है तो हम उसमें, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है उसके अंदर वो फिट नहीं हो रही, तब हम उसके लिए पैडिंग का यूज करते हैं। पैडिंग का यूज हम कैसे यूज कर सकते हैं कि जो ब्लॉक साइफर है हमने कहा कि उसमें जो ब्लॉक का साइज है वो फिक्स्ड होता है, जैसे मान लो 64 बिट्स का है। अब हम कोई ऐसी सिचुएशन लेके आते हैं कि मान लो मुझे 150 बिट्स हैं वो प्लेन टेक्स्ट के भेजने हैं, तो 156 का मतलब क्या हो गया, एक में 64 आ गए, दूसरे में भी 64 आ गए, कितने हो गए हमारे पास 128। तो तीसरे में तो 64 नहीं आ सकते क्योंकि वो तो इतना तो साइज ही नहीं है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का। तो यहाँ पे ये टोटल साइज कितना बन गया, 128 बिट्स। अब टोटल हमारे पास कितने रह गए यहाँ पे, 22 बिट्स। तो ये देखो ये जो 22 बिट्स है वो लास्ट वाले ब्लॉक में 22 बिट्स आ जाएंगे, और बाकी इसका साइज कितना बच गया, टोटल 64 था तो इसके पास साइज कितना बच गया अब, 42 बिट्स का। तो इन 42 बिट्स में हम पैडिंग कर सकते हैं। पैडिंग का मतलब एक्स्ट्रा स्टफ इसमें ऐड कर देते हैं। सो द लास्ट ब्लॉक ऑफ बिट्स नीड्स टू बी पैडेड विद सम रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लो रिडंडेंट मतलब मैंने 000 ही 42 टाइम्स लगा दिया, या कोई मैंने सीक्वेंस बना लिया 010101, कोई भी ऐसा इनवैलिड जो कि दैट यू थिंक दैट इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, सो दैट रिडंडेंट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ पैडिंग टू द लास्ट ब्लॉक, सो दैट द लास्ट ब्लॉक ऑल्सो फेल्स। सो हम एडिशनल 42 रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाए। सो जो प्रोसेस है एडिंग दीज रिडंडेंट बिट्स सो दैट द लास्ट ब्लॉक कंप्लीट हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज पैडिंग। जो मेजॉरिटी ऑफ द हमारे पास ब्लॉक साइफर्स हैं वो है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स है, DDoS है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं, ब्लॉकफिश है। सो दीज आर सम ऑफ द मेन एल्गोरिथम्स ऑफ इंक्रिप्शंस अंडर द ब्लॉक साइफर्स, ठीक है। सो ये जितने भी एल्गोरिथम्स हैं ये इनक्रिप्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट
as one block. This cipher encrypts n bit block at a time and small blocks have to be padded. ये हमने आपको पहले ही बता दिया था. जैसे हमारे पास डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, ये जो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है दैट वाज पब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी एंड दिस इज यूज्ड टू बी मोस्ट पॉपुलर ब्लॉक साइफर इन द वर्ल्ड एंड वाज यूज्ड इन सेवरल इंडस्ट्रीज. सो ये जो मॉडर्न कंप्यूटिंग में जो DES था दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड ब्लॉक साइफर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. सो जो DES एल्गोरिथम है दैट बिकेम स्टैंडर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1977. However, it is already been proven to be very vulnerable by the brute force attacks. क्योंकि ये जो weak इसको क्यों माना गया? Because the processing power of modern computers is very high. So, the guess of the key can be easily find out. So, DES में जो block का size है, that is 64 bits. और जो key का size है, that is also 64 bits. लेकिन इफेक्टिवली जो है वो 64 बिट की का नहीं यूज़ किया जाता, 56 बिट का ही यूज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो 8 बिट्स हैं दे आर यूज्ड एज द पैरिटी इंफॉर्मेशन. सो आउट ऑफ दी 64 बिट्स 8 बिट्स आर यूज्ड एज द पैरिटी इंफॉर्मेशन. सो जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है दैट इज़ एक्चुअली 56 बिट्स. ये यूज करता है 16 राउंड ऑफ फिस्टल स्ट्रक्चर. ये चलो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे DES के. सो जो राउंड की जनरेटर है दैट क्रिएट्स 16 48 बिट्स कीज आउट ऑफ दीज 56 बिट साइफर टेक्स्ट. थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ इसकी कि ये हमारे पास 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है. दिस इज इनिशियल परम्यूटेशन. कुछ हमने इनिशियल परम्यूटेशन लगाया, फिर राउंड 1 राउंड 2 ऐसे राउंड 16 चलते हैं, फिर फाइनल परम्यूटेशन होती है और उसके बाद जो हमें आउटपुट निकलती है दैट इज द 64 बिट. अगर प्लेन टेक्स्ट है तो 64 बिट का ही हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है. फिर हमने कहा था कि इसका एक्चुअल में जो हम बोलते हैं कि इसका साइज है की का वो 64 बिट होता है, लेकिन 8 बिट एज ए पैरिटी यूज होता है, तो 56 बिट की इसकी जो इफेक्टिव है वो साइफर की होती है. फिर हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो राउंड की जनरेटर होता है वो इन 56 बिट्स में से 48 बिट की जनरेट करता है. सो दिस इज एक्चुअली सम आउटलाइन ऑफ द DES. उसके बाद आता है ट्रिपल DES. जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो ट्रिपल DES है वो बेस्ड ऑन तो DES ही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो DES है दैट इज रन 3 टाइम्स, तो ही इसका नाम पड़ गया 3DES. सो ईच DES ऑपरेशन कैन यूज अ डिफरेंट की और उसकी जो लेंथ है दैट इज 56 बिट्स लॉन्ग. सो इसमें भी जो ब्लॉक का साइज होता है वो लाइक DES इज 64 बिट्स, लेकिन जो 3DES है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन DES, लेकिन ये उसके कंपैरेटिवली अब स्लो भी है. स्लो क्यों है? क्योंकि इसको सेम DES को रन करना पड़ता है अब 3 टाइम्स. सिंपल DES में तो वही काम एक बार काम करना पड़ा था, अब इसको यही सेम काम 3 बार करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी स्लो एज कम्पेयर टू DES. इसलिए जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसकी स्लो नेचर के कारण इनको कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया एंड इट नेवर कैन बिकम द अल्टीमेट सक्सेसर ऑफ DES. उसके बाद आ जाता है हमारे पास AES. दिस इज एक्चुअली द कंसेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेंडल. सो जो US फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने 2002 में, एक्चुअली मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो 2001 में हो गया था. AES और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज आर्गुएबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लॉक साइफर इन द वर्ल्ड. एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज वाइडली यूज्ड जो है वो ब्लॉक साइफर है. इसका जो ब्लॉक साइज है वो 128 बिट्स का है, जबकि DES में 64 बिट्स का था. लेकिन इसमें जो पॉसिबल की साइजेस हैं वो 128 बिट का भी की हो सकता है, 192 का भी हो सकता है, 256 बिट का भी की हो सकता है. तो पता हमें लग गया कि जितना ज़्यादा लंबा की का साइज होगा उतना ही इंक्रिप्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. लेकिन थोड़ा सा फिर वही बात आ गई कि जितना ज़्यादा की का साइज होगा उतना ही प्रोसेस जो है वो
थोड़ा लंबा खींच जाएगा. इट इज़ फाउंड स्ट्रोंगर एंड एट लीस्ट 6 टाइम फास्टर दैन द ट्रिपल DES. तो ये ट्रिपल DES से 6 गुना ज़्यादा स्ट्रोंग है. अनलाइक DES, द नंबर ऑफ राउंड्स, मतलब DES में नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे, 16 थे और वो फिक्स था. लेकिन AES में जो नंबर ऑफ राउंड्स है वो फिक्स नहीं है, दे कैन चेंज दो वेरिएबल्स, और वो डिपेंड करता है कि आपकी की लेंथ कितनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो AES 10 राउंड्स यूज़ करता है, अगर आप की लो 128 बिट्स की, 12 राउंड यूज़ करता है अगर आप की का साइज़ लो 192, और 14 राउंड्स यूज़ करता है अगर आप की का साइज़ लो 256 बिट्स. तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू DES. DES में हमारे पास 16 राउंड्स होते थे और उसमें जो की का साइज था इफेक्टिवली वो 48 था, जो जनरेट कर रहा था हमारे पास की जनरेटर बाय टेकिंग द 56 बिट्स ऑफ की, 48 की वो जनरेट कर रहा था. तो 48, चलो 56 ही मान लो, उससे 56 अगर बिट की थी तो उससे 16 राउंड चल रहे थे. यहाँ पे देखो 256 बिट लंबी की है हमारे पास, उसके बावजूद भी जो राउंड है वो कितने हैं, 14. तो 256 बिट्स की का मतलब क्या हो गया, कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. जैसे हमारे पास, हम ही ले लें कि अगर हमारे पास कोई की साइज 3 बिट का हो तो हमारे पास 2^3 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं. अगर हमारे पास 16 हो तो टोटल हमारे पास 2^16 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो सोचो कि अगर 256 बिट की है और राउंड भी 14 है, तो वो कितनी हाई डिग्री की हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. उसके बाद लास्ट में है थोड़ा सा यही है कि ब्लोफिश क्या है. दिस इज अनदर वेरी पॉपुलर ब्लॉक साइफर, लेकिन ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी चीज AES हुई थी. इसमें जो ब्लॉक साइज है वो 64 बिट का होता है, जैसे कि हमारा DES में होता है. लेकिन हाँ, कि इसमें जो लेंथ की है दैट कैन रेंज फ्रॉम 32 to 448 बिट्स, ये इसकी थोड़ी सी स्पेशलिटी है. लेकिन वन थिंग दैट मेक्स ब्लोफिश इज सो अपीलिंग कि इसकी, ये अनपेटेंट है और ये एक रॉयल्टी फ्री हमारे पास साइफर है. उसके बाद टू फिश है, दिस साइफर इज रिलेटेड टू एक्चुअली ब्लोफिश, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द सिमेट्रिक की इनक्रिप्शंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.